इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस लाइफ में, इस दुनिया में सक्सेस होने का सबसे बड़ा क्या रीजन है? अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं है तो वो क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है कि आप वो कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं जो वो 1% लोग यूज कर रहे हैं जो हाई अचीवर होते हैं? दोस्तों अगर हमको लाइफ में सक्सेस होना है तो हमको वो काम बिल्कुल नहीं करने हैं जो इस जिंदगी में वो 99% लोग कर रहे हैं जो फेलियर है। हमको वो काम करना है जो 1% लोग कर रहे हैं जो हाई अचीवर है, क्योंकि उनके उनका क्या माइंडसेट होता है, उनका काम करने का क्या तरीका होता है, अगर आपने उनको फॉलो किया तो हो सकता है कि जिंदगी में आप भी हाई अचीवर की श्रेणी में गिने जाए। आइए इसी बात को समझते हैं। इस स्टोरी के तहत एक चित्रकार था जो काफी मशहूर था, तो उसने एक पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग को चेक करने के लिए उसने उस पेंटिंग को 20 शहर में लटका दी। तो उसने उस पेंटिंग में एक नोट लगाया, उसने लिख दिया कि इस पेंटिंग में जो जो कमियां हैं उस कमियों को पॉइंट कर दो, ढूंढ के बताओ, उस पे एक गोला बना दो। तो जब वो अगले दिन आया उसने देखा कि उसकी पूरी पेंटिंग खराब हो चुकी थी, वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। उसने देखा कि लोगों ने इतने गोले लगा दिए उस पेंटिंग में कि हर एक ने उस फोटो में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ढूंढ ही ली, और वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। उसका मित्र उससे मिलने आया, उसके मित्र ने उससे सारी बात पूछी कि भाई दुखी होने का क्या कारण है। तो उसने सारी बातों को विस्तार से बताया और ये सब सुनने के बाद वो हंसने लगा। उसने बोला कि चलो एक काम करो, तुम फिर से एक पेंटिंग बनाओ, उसको कल 20 शहर में लटकाओ और उसमें भी एक नोट लगाना और उसमें लिखना, मगर इस बार उसमें लिखना कि जो भी अगर आपको कमियां लिखती हैं आप उसको सुधार दीजिए। तो दोस्तों ऐसा करने पर वो चित्रकार जब अगले दिन अपनी तस्वीर लेने गया तो उसने देखा कि उसकी तस्वीर जैसी की तैसी थी, और वो देखकर वो खुश हो गया। उसने देखा कि लगता है लोगों को इसमें कोई कमियां दिखी नहीं। वो जाके बात को समझाता, उसके दोस्त ने उस बात को समझाया कि दूसरों में कमियां निकालना बहुत ज्यादा आसान है, पर उसी कमियों को सुधारने के लिए कोई आगे नहीं आता। दोस्तों तो इस स्टोरी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि दूसरों की कमियों, खुद की कमियों को देखने से अच्छा है कि उनको सुधारिए। आप उनकी कमियों को ढूंढ के निकालने से ज्यादा बेटर यह है कि उन पर काम कीजिए और अपनी गिनती वो 1% लोगों में कीजिए, क्योंकि वो जो 1% होते हैं, जो हाई अचीवर होते हैं, वो दूसरों की कमियों को भी सुधारने में लगे होते हैं और साथ ही अपनी कमियों को भी सुधारते हैं। पर वो जो 99% लोग होते वो सिर्फ दूसरों की कमियों निकालने में माहिर होते हैं। दोस्तों तो आप बताइए कमेंट करके कि आप उन 99% में से हैं या 1% में से हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।